झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी आज जामताड़ा के बेवा पहुंचकर मस्जिद ढलाई के कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर लगभग 25,000 की भीड़ थी। विधायक जी ने कार्यक्रम में शामिल होकर मस्जिद ढलाई के लिए नेक इरादों के साथ एक कढ़ाई मसाला छत पर डाला। आगे विधायक जी काफी देर रुककर उपस्थित लोगों से मिले और उनका हालचाल लिया। मौके पर विधायक जी ने कहा कि इतनी तादाद में लोग यहां आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। यह एक नेक काम है और इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत और भरोसे के साथ मुझे अपना दोबारा जनप्रतिनिधि चुना है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आपकी एक आवाज़ पर इरफान अंसारी आपके सामने होगा। अब राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार है और आप लोगों को बेफिक्र होकर और निडर होकर रहना है। आपके हक और सम्मान के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र में मैंने आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और यह आगे भी जारी रहेगा। को मैंने वादा किया था कि नहीं, मैं हर हाल में आऊंगा और मैं यहाँ पे आया हूँ। जब भी विधानसभा चल रहा है तो मैं आप लोगों की आवाज़ वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ रखता हूँ। अभी आपने देखा होगा किस तरह से मुबारक को मार दिया। उसके परिजन से भी मैं मिलने के लिए गया था और मैंने उनके इंसाफ की सजा अपनी गुहार लगाई। जामताड़ा के विधायक होना यहाँ के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और उसी के सहारे मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। मुझे हज कमेटी का चेयरमैन भी बना तो मुझे जामताड़ा ही याद आया। कहीं बैठता हूं तो मुझे आपकी दुआएं याद आती हैं, आपका साथ नजर आता है। मैं आपका हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से रहिए, बेहिचक रहिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इरफान अंसारी खड़ा है, मैं आपके साथ हूं और मस्जिद की ढलाई में आपने मुझे दावत दिया, इस नेक काम में आपने मुझे बुलाया। आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह। हमारे बीच